नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ेरिया, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फोर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नई सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, वो है हमारी डेटा स्ट्रक्चर। तो यहां आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और लास्ट में जाके कुछ ही मिनट पहले मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो गया है ना। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वापस रीशूट करना पड़ रहा है। जो चीज़ें लिख ली मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर मैं उसको कवर कर सकूँ। ओके, जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो अभी मैं आपको वापस समझा दूंगा। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, टेलीग्राम के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए, उसको आप प्लीज़ लीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, हेल्पफुल ही रहेगी। डिटेल के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज और आपको अवेलेबल है सेकंड, सिर्फ पेपर सेकंड की, उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। वो टेस्ट सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत जल्दी मैं उसको भी कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट और सेकेंड जो टेस्ट सीरीज है कंबाइन है, उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जो सेकेंड टेस्ट सीरीज है पेपर सेकेंड की, उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो भी प्रोग्रेस पे है ना। फिर देखिए मैराथन क्लासेस में लेके आने वाला हूँ क्वेश्चंस की बहुत जल्दी, लाइव क्लासेस। ओके, इस बार कोशिश करूँगा कि लाइव ही लेके आऊँ, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8005683126, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है ना। चलिए हम डेटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो भाई डेटा को किस किस तरीके से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विथ रेस्पेक्ट टू मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उनको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपके दो तरह के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इसका अंदर नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। इनकी जो मेमोरी जो एलोकेट होगी वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होगी। ओके, यहाँ पे ये ब्लॉक, इसके बाद ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, हमने इसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS दोनों के अंदर पढ़ा है। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उनको अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जो बेस था वो आपका एक एस्टेब्लिश हो चुका है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एरे, क्यू, स्टैक। फिर देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्री और ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर फर्दर हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होंगे, मेमोरी इज फिक्स्ड, मेमोरी क्या है, फिक्स्ड है। डायनामिक के अंदर मेमोरी इज फ्लेक्सिबल, क्या है, फ्लेक्सिबल। फिर देखिए मेमोरी इज अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, किसके अंदर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी है आपके कंपाइल टाइम के अंदर अलोकेट होती है, जबकि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी रन टाइम के ऊपर कंपाइल होती है, क्या होती है, सॉरी, मेमोरी रन टाइम के ऊपर आपको अलोकेट होती है। वो अगर आप सी के अंदर हम बात करें तो मेलोक और फेलो केलोक फंक्शन के द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के, एरे हो गया, स्टैक हो गया और क्यू हो गया। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ। ऑपरेशंस क्या होंगे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, हम सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, अपडेशन, डिलीशन, ट्रावर्सन और मर्ज। तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, क्यू है, एरे है, लिंक लिस्ट, इनके ऊपर ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या डा के अंदर हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया था, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। असिम्प्टोटिक नोटेशन सर ये क्या है, कुछ नहीं है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। जब भी कोई एल्गोरिथम रन होती है तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कम होनी चाहिए, मतलब उनका जो केस है बेस्ट होना चाहिए। तो बिग ओ होता है ऑर्डर अपर बाउंड, ये होता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओमेगा होता है लोअर बाउंड, बेस्ट केस। और बिग थीटा होता है थीटा, मतलब अपर प्लस लोअर बाउंड का एवरेज, इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज केस बोलते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं एरे, क्या पढ़ने वाले, एरे। एरे का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम एरे बोलते हैं।
जैसे इंट टाइप के यहाँ कलेक्ट कर रखा है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 1D array, int a of 7। ये क्या है a of 7, इसका मतलब क्या है, इसका जो एड्रेस है या इसका जो इंडेक्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, 0 से लेके 6 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अंदर वाली साइड ये क्या होंगे आपके डेटा एलिमेंट्स, क्या होंगे डेटा एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या रख रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फिर देखिए क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम के अंदर, आपको पूछा जाता है कि भाई एड्रेस क्या है, आपको कोई एड्रेस पूछ लिया जाएगा किसी ith एलिमेंट का, तो इसका फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखें तो रख लीजिए, बाकी लॉजिकल है सारी चीज़ें, बेस एड्रेस प्लस आई स्टार साइज। बेस एड्रेस क्या है, ये जो एरे दिया होगा इसका आपको बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस दिया होगा, प्लस आई मतलब भाई कौन से एलिमेंट का आप सर्च करना चाहते हैं, स्टार साइज मतलब हर एक एलिमेंट की साइज क्या है। तो यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आपको पूछा है कि भाई एड्रेस निकालिए ए ऑफ थ्री का, ए ऑफ थ्री का जिसके अंदर आपको एड्रेस दिया हुआ है बेस एड्रेस 1000, मतलब जो एड्रेस चालू हो रहा है किससे हो रहा है 1000 से, तो ये होगा 1000, तो बेस एड्रेस रख लीजिए 1000 प्लस कौन से एलिमेंट का पूछा, थर्ड का, तो रख लीजिए 3 * 2, साइज क्या है हर एक एलिमेंट की 2 है, 2 byte, क्यों है, हमने कौन सा डेटा टाइप लिया इंट, ये क्या हो जाएगा 1006। अब देखते हैं हम क्या 1006 के ऊपर थर्ड एलिमेंट है क्या, चलिए देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1000 के ऊपर, सेकंड 1002 के ऊपर, थर्ड है 1004 के ऊपर, और फोर्थ है आपका 1006 के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो ये ए ओ थ्री है वो कौन से किसके ऊपर है 1006 के ऊपर, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला सही है। ओके चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा एरे है वो है 2D एरे। क्या है आपका 2D एरे, सर ये क्या है, इसमें जो आपका जो डेटा का जो अरेंजमेंट है वो आपके क्या किया जाएगा, रो और कॉलम दोनों फॉर्म के अंदर किया जाएगा। यहाँ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंट ऑफ ए 3 और 4, मतलब यहाँ जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो कर रहा है, मतलब ये जो कॉलम है ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रो होगी, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। 4 का मतलब क्या होगा, कॉलम 4 होंगे, 1, 2, 3, 4, ओके 3 x 4। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट स्पेसिफाई किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये जो चीज़ दी हुई ना, ये तो हम एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने के लिए लिख रखी है, पर एक्चुअली सिस्टम के अंदर ये जो मेमोरी एलोकेशन है दो तरीके से होती है, कैसे होती है, एक रो मेजर ऑर्डर के अंदर होती है और एक कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर होती है। किसके अंदर, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर के अंदर कैसे अरेंज किया जाता है, ये अरेंज किया जाता है रो बाय रो, फर्स्ट ये रो होगी, सेकेंड जो थर्ड रो, देखिए 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर ये इस तरीके से अरेंज किया जाएगा 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 10, है ना, इस तरीके से जो भी है ये 3, 7, 11, 3, 7, 11। तो दो तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। फिर देखिए आपको एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक ये फॉर्मूला है इनको आप ध्यान रखिए, रो मेजर ऑर्डर का ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे इक्वल टू क्या हो गया, बेस एड्रेस प्लस आई स्टार सी प्लस जे स्टार साइज। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी आई ए तो जे एलिमेंट के बारे में पूछा जाए कि वो इसका बेस एड्रेस क्या हो गया, मान लीजिए आपको इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में तो इसका एड्रेस क्या है, देखिए रो इंटू कॉलम, रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा है 1, मतलब ए 11 के बारे में इसको ले लो, है ना, ए 12 के बारे में। तो इसको आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, बेस एड्रेस प्लस आई जो भी एलिमेंट है ना, आई स्टार सी मतलब कॉलम। यहाँ देखिए आपने जो मैट्रिक्स की जो साइज डिफाइन की है ना ए ऑफ 3, 4, तो ये हो गया इसकी रो और ये हो गया इसका कॉलम, प्लस जे जो एलिमेंट का आपका कॉलम का नंबर दिया होगा स्टार साइज। अभी आप एग्जाम्पल से करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बस आई की जगह जे और जे की जगह आई। देखिए ए ऑफ आई जे इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस आई की जगह जे, कॉलम की जगह रो, है ना, जे स्टार रो प्लस आई स्टार साइज। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लर्न कर दीजिए, अगर लॉजिकली आप समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं,
लॉजिकली समझाने के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, जब हम कोर्सेस करेंगे उसके अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर समझेंगे। एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है ना आपको, ये दिया हुआ है ए 0 to 9 और 0 to 14, बेस सेटेस आपको गिवन है 100, रो मेजर ऑर्डर एलोकेशन स्कीम बता रखा है, और जो अंदर जो स्टोरेज है वो कैरेक्टर टाइप है। आपको पूछा है एड्रेस ऑफ एलिमेंट एट ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे पे एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा, और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। इसकी साइज़ क्या दी हुई है, ए ऑफ 10 और 15। कैसे पता चला, देखिए इंडेक्स क्या है 0 से 9 मतलब 10 साइज है, इंडेक्स क्या है 0 से 14 इसका मतलब साइज क्या है 15, क्या हो जाएगा रो और कॉलम। ओके फिर क्या निकालना है हमें, ए ऑफ आई जे है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस आई स्टार कॉलम प्लस जे स्टार साइज। बेस एड्रेस क्या दिया हुआ है 100, ये हो गया 100। आई क्या दिया हुआ है, आई के हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आई ही रख रहा हूँ। आई स्टार कॉलम की वैल्यू क्या दी हुई है बता सकते हैं आप, ये दी हुई सर 15 15। प्लस जे क्या दिया हुआ है, जे साइज क्या दिया हुआ है, साइज 1 byte, तो into 1 कर दो, तो ये हो जाएगा आपके निकल के 100 plus 15i plus j, 15i plus j plus 100, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, बी आंसर हो चुका है। ओके तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। मेरा जो मानना है कि अब आप चूँकि रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपका बेस बन चुका है, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आपको मेरे ख्याल से प्यार भी हो चुका होगा, है ना। तो बार बार करेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर वो है लिंक्ड लिस्ट। क्या है लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड। लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड, इसके 2 फील्ड है, कौन कौन से, डेटा फील्ड और एड्रेस फील्ड, डेटा फील्ड और एड्रेस फील्ड। ओके उसको हम डेटा भी बोलते हैं, उसको वैसे नेक्स्ट पॉइंटर भी बोलते हैं, है ना। ओके एड्रेस किस चीज़ का है, नेक्स्ट जो भी नोड उसका एड्रेस बताता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, इसका डेटा की वैल्यू क्या है ए, इसके डेटा की वैल्यू बी, इसके डेटा की वैल्यू सी। अब ये नेक्स्ट जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेक्स्ट जो नोड उसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, तो 200 को कहाँ रख दिया इसने, इसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर, 300 को कहाँ रख दिया इसने, इसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर। तो स्टार्टिंग जो नोड है उसको हम फर्स्ट नोड बोलते हैं, और जो लास्ट नोड है उसको हम लास्ट नोड बोलते हैं। फर्स्ट जो नोड है उसको हम हेड पॉइंटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, हेड से। तो मेन यही है कि भाई हेड का मतलब एक चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हेड पॉइंटर से स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर जो फर्स्ट जो भी नोड है उसका बेस एड्रेस रहता है। ओके तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम के अंदर किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, यहाँ पे डेटा दे रखा है और इनको कनेक्ट कर रखा है, और उनके आपको एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। अगर आपको यहाँ पूछे कि भाई हेड ऑफ डेटा क्या है, इसका मतलब क्या है ए। आपको पूछे हेड ऑफ नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20। ये जो पार्ट है आपका डेटा है, और ये जो पार्ट है आपका नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए प्रिंट है परसेंट डी हेड ऑफ नेक्स्ट, हेड ऑफ नेक्स्ट सबसे पहले आप जाइए हेड के ऊपर, सिट ऑन हेड। अब क्या पूछा है, डेटा पूछा है, नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है, तो क्या हो गया 20। तो हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे आपके पास 20। फिर क्या पूछा है, हेड ऑफ नेक्स्ट एक एक जाइए ना, हेड ऑफ नेक्स्ट पे अपन आ चुके हैं, अब हम किस पे जाएंगे, हेड ऑफ नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पहुँचे नेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे क्या ढलान है, आप स्लिप होके डायरेक्ट सीधा कहाँ जाओगे, नेक्स्ट वाले नोड के ऊपर पहुँच जाओगे। ओके और अब आपको क्या पूछा है, हेड ऑफ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 30 30, ठीक है, आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। इस प्रकार से ही अगर ये हेड ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेटा पूछता तो हेड ऑफ नेक्स्ट 20 सीधा स्लाइड करके यहाँ आ गए, अभी आप यहाँ खड़े, ऑफ डेटा मतलब इसका डेटा, डेटा क्या हो जाता है बी, पूछा गया गया है नेक्स्ट, इसका मतलब ये एड्रेस पूछा गया है। ओके तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिंक लिस्ट के अंदर।
लिंक लिस्ट के अंदर हम वही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ट्रावर्सिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ट्रावर्सिंग मतलब एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर ट्रैवल करना है ना, या जैसे ट्रैवल कर रहा है ना ये व्यक्ति, यहाँ से जंप किया यहाँ पे, यहाँ से जंप किया यहाँ पे, यहाँ से जंप किया यहाँ पे। इंसर्शन का मतलब क्या हो गया, इंसर्शन आपके और डिलीशन तीन जगह हो सकता है। कहाँ हो सकता है, तीन जगह, फ्रंट एंड और मिडल। कहाँ हो सकता है, फ्रंट एंड और मिडल में हो सकता है, ठीक है। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया एंड और ये मिडल के अंदर। ओके ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए समझिए। इन वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन नीडेड टू सर्च अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर अ गिवन एलिमेंट। पूछा गया है कि वर्स्ट केस के अंदर किसी एलिमेंट को सिंगली लिस्ट लिस्ट के अंदर सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कंपेरिजन कितने लगेंगे। देखिए आपका जो एलिमेंट है, वर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ कि भैया लिस्ट दी हुई है और वो सर्च कर रहा है, या तो उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, या दूसरा क्या है, वो लास्ट नोड के अंदर आपके अवेलेबल है। तो आपको देखिए पूरी की पूरी लिस्ट ट्रावर्स करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पाँच नोड है तो पाँचों नोड ट्रावर्स करने पड़ेंगे। अगर यह एन नोड्स है तो कितने नोड ट्रावर्स करने पड़ेंगे, एन नोड्स करने पड़ेंगे। तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको इस केस के अंदर बेस्ट पूछा जाता तो क्या हो जाता, ऑर्डर ऑफ वन। क्यों, क्योंकि बेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मिल चुका है, ठीक है। एक है आपका बेस्ट, अगर यहाँ मिलता है तो आपका क्या है, वर्स्ट। और अगर इन दोनों नोड के कहीं बीच में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज को किससे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एन बाय टू से लिखेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ऑर्डर ऑफ एन ही होता है, क्योंकि एन के अंदर हम कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं रखते हैं। तो अब बेस्ट केस के अंदर वैल्यू ऑर्डर ऑफ वन रहेगी, बाकी दोनों केस के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, आपकी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। ओके ओके चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए यहाँ पे सर्कुलर इंग्लिश, जैसा नाम वैसा काम। देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, ये आपके नोड्स दिए हुए हैं, आपको लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट करना है। बस क्या करना है, लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट करना है। तो ये नोड लिस्ट क्या हो गया आपकी, सर्कुलर। इसका कोई एंड नहीं होता है ना, इसमें नहीं फ्रंट एंड होता है, नहीं रियर एंड होता है। यहाँ पे एक तो ये हेड सेक्शन होता ही होता है, यहाँ पे एक नई चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं सेनिटल नोड। सेनिटल नोड सर ये क्या करता है, सेनिटल नोड करता है कि जितने भी नोड इससे कनेक्टेड उसकी वैल्यू रखता है। अब यह नोड कितने कनेक्टेड, तीन, तो यह वैल्यू क्या रखेगा, यहाँ पे तीन वैल्यू रखेगा। ओके यह आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। यूजफुल कहाँ है, यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, क्यू को इम्प्लीमेंट करने में यूजफुल है। फ्रंट एंड रियर एंड नहीं होता है। जब कभी भी हमें किसी नोड को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, रियर पॉइंटर का यूज करेंगे। रियर मतलब लास्ट वाले के अंदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, डब्ली लिंक लिस्ट। और सर डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है, जैसा नाम वैसे काम। डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर आपके नेक्स्ट पॉइंटर तो होता ही होता है, एक नया पॉइंटर इंट्रोड्यूस होता है, वो है प्रीवियस। या अगर आप देखोगे तो ये आपका नोड है और बीच के अंदर आपको डेटा सेक्शन दे रखा है, ये जो आपका सेक्शन है वो है आपका प्रीवियस पॉइंटर, प्रीवियस वाले नोड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो सेक्शन है आपका वो नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए ये है प्रीवियस को कर रहा है और यहाँ देखिए नेक्स्ट को कर रहा है। ओके वी कैन क्विकली इंसर्ट अ न्यू नोड। इससे क्या होता है, कोई भी नया नोड अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम आसान से कर सकते हैं। कैसे, इन सिंगली लिंक लिस्ट टू डिलीट अ नोड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इज नीडेड। सिंगली लिस्ट के अंदर क्या होता था, अगर मुझे कोई नोड डिलीट करना होता था तो पॉइंटर की आवश्यकता रहती थी मुझे। ओके तो ये डिटेल पार्ट के अंदर है, आप सभी ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या है डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर ये क्या होता है, इसके अंदर क्या हो सकता है बताइए। डब्ली तो लिंक लिस्ट है ही है, सर्कुलर का मतलब एक सर्कल होगा, वो सीधी सी बात है। लास्ट जो भी नोड है वो फ्रंट से कनेक्टेड होगा, फ्रंट है वो किससे कनेक्टेड होगा, लास्ट से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे हम कुछ लिख रखे थे और मेरा वीडियो क्या हो गया, चलना बंद हो गया। चलिए इसमें देखिए, जंपिंग फ्रॉम हेड टू टेल और
टेल टू हेड इज डन इन कॉन्स्टेंट टाइम दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर डब्ल्यू इंग्लिश के अंदर कि अगर आपको ये है आपका क्या है हेड और ये क्या है आपका टेल जंपिंग वो हेड टू टेल आपको हेड से टेल की ओर जंप करना है या आपको टेल से हेड के ऊपर तो आप क्या कर सकते हो कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर कर सकते हो मतलब ऑर्डर वन के अंदर कैसे भाई दोनों कनेक्टेड है ना साथ ही तो कनेक्टेड है तो आराम से कर सकते हैं है ना। फिर देखिए इसका यूज क्या किया जाता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट यूज इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक फिबोनाकी। फिबोनाकी एक सीरीज होती है उसके अंदर हम इसका अच्छे से यूज़ करते हैं और कहाँ करते हैं हम आपने गाने तो सुनते ही होंगे सॉन्ग सुनते ही हो ना तो वहाँ पे फॉर मैनेज प्लेलिस्ट सॉन्ग मैनेज प्लेलिस्ट के अंदर करते हैं। आपको आगे जाना होता है तो नेक्स्ट गाना सुन लेते हो बैक करते हो तो प्रीवियस गाना सुनते हो फिर सबसे लास्ट में आ जाते हो तो अगर आपने लूप में डाल रखा हो तो लास्ट से अपने आप ही फर्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ किस कौन सा कंसेप्ट यूज होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का। इसका एक डिसएडवांटेज क्या कह सकते हो आप यहाँ पे ये है कि मेमोरी पॉइंटर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ओके उसके कारण मेमोरी वेस्टेज क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है किसके अंदर आपकी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट किसमें डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है वो है हमारा स्टैक। वन बाय वन हम सारे के सारे ये पढ़ रहे हैं है ना जो भी डेटा स्ट्रक्चर है ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर वो क्या है हमारा स्टैक। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ देखिए स्टैक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से देखिए हो गया आपका स्टैक। स्टैक के अंदर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन कौन से पुश एंड पॉप इसमें लिख लीजिए आप आइटम्स आर एडेड एंड deleted from same end से आइटम आप एड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं यहाँ पे देखिए ऑपरेशन पुश और पॉप ओके। पुश मतलब अगर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका पुश अगर आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा पॉप। एक ऑपरेशन और होता है यहाँ पे पीक ऑपरेशन ये क्या बताया था टॉप ऑफ एलिमेंट बताता है ना ठीक है। यहाँ देखिए आपका जो पॉइंटर है इसको वैसे हम इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे पर मैं आपको छोटी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे हम जो एक पॉइंटर यूज़ करते हैं वो टॉप सबसे पहले टॉप क्या होता है खाली अगर स्टैक है तो माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है फिर यहाँ से नंबरिंग होती है 0, 1, 2, 3 और जो लास्ट वाले पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स माइनस वन किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स माइनस वन ओके। तो जो जब आपकी स्टैक एम्प्टी होगी तो हम टॉप माइनस वन से रिप्रेजेंट करते हैं है ना और मैक्स माइनस मतलब ओवरफ्लो कंडीशन तो अभी हम कंडीशन लिखने वाले हैं देखिए आप फिर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पुश ऑपरेशन के अंदर अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टैक क्या हो सकती है आपकी ओवरफ्लो हो सकती है स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस वन क्या प्रिंट एफ करा दीजिए ओवरफ्लो ओके
देखिए जैसे ही आप डेटा भरोगे ना, इसके अंदर कोई इंसर्ट करोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाए, आपका जो पॉइंटर है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पॉइंटर आ जाएगा। ओके, तो सो ऑन हम चलते रहेंगे, और आपका लास्ट में अगर यहाँ पे आ जाता है कर्सर पॉइंटर मैक्स माइनस वन, तो ये क्या होगी, आप टॉप, इससे ज़्यादा तो आप डाल ही नहीं सकते हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। सेम केस इधर हो जाएगा आपके पॉप ऑपरेशन के अंदर, कौन सा केस होगा आप बताइए आप मेरे को, अंडर फ्लो कंडीशन, स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं ना। इफ टॉप इक्वल टू माइनस वन, टॉप की वैल्यू माइनस वन होगी, आप पॉप करते गए पॉप करते गए पॉप करते निकालते गए डेटा, और अगर माइनस वन आ गया इसका मतलब ये जो कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है वो किसकी कर रहा है, अंडर फ्लो, आपकी स्टैक अंडर फ्लो की है, अब आप और डेटा को नहीं निकाल सकते हो। ओके, आई बात समझ में, यहाँ पे मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू स्टैक की, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। जैसे मान लीजिए हमने डिफाइन किया इंट स्टैक मैक्स, ओके, और यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया इंट टॉप इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक इंटीजर का यूज़ किया टॉप, डिफॉल्ट वैल्यू हमने दी माइनस वन, और एक एरे का यूज़ किया स्टैक, जिसको हमने मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या दी मैक्स, जो भी हम पास करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यूज़ कहाँ करते हैं हम स्टैक का, देखिए यूज़ ऑफ स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या लिख लीजिए आप, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग, और कहाँ करते हैं सर, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, और कहाँ करते हैं सर, रिकर्शन, और अंडू और रीडू, ठीक है, और कहाँ करते हैं सर, एक्सप्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और कहाँ करते हैं पार्सिंग, और ट्री ट्रावर्सल ग्राफ, है ना। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है, ट्री ट्रावर्सल एंड ग्राफ ट्रावर्सल, और टावर ऑफ हनोई, गेट के अंदर तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसे, टावर ऑफ हनोई से, और क्या होता है, यूज इन DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पे इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए दोनों को। ओके, तो इन इन जगह हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि भाई एग्ज़ाम के अंदर स्टैक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेशन आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो मैं फटाफट बताता हूँ, प्रीफिक्स इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, है ना। तो ये स्टैक ऑपरेशन है तीन तरह के, प्रीफिक्स इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, स्टैक ऑपरेशंस, स्टैक ऑपरेशंस, क्या है ये, स्टैक ऑपरेशंस। सबसे पहले क्या है आपके, प्रीफिक्स इनफिक्स, और क्या है आपके पोस्ट फिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए आपका जो ऑपरेटर होगा दो वेरिएबल के बीच में होगा, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, आपका जो ऑपरेटर है दोनों वेरिएबल के आगे है, और पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होगा, आपका जो ऑपरेटर है वेरिएबल के बाद में यूज़ होगा। ओके, तो इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल ही आपको बता पाऊंगा। फर्स्ट ले लेते हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ओके, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटीज का, किसका, प्रायोरिटी का, मैं बना देता हूँ ब्रैकेट्स, उसके बाद प्रायोरिटी आपकी एक्सपोनेंशियल की, उसके बाद रहती है आपकी स्टार स्लेश और डिवाइड, स्टार डिवाइड और मोड, और प्लस और माइनस, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले इसकी रहती है, फिर इसकी, फिर इसकी और इसकी, ओके। तो जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको इनके प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके आंसर सही आएंगे, है ना। तो एक एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे
ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सोल्व करना है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी, इसको आपको पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट फिक्स के अंदर। तो सबसे पहले बताइए प्रायोरिटी हाई किसकी है? ब्रैकेट्स की। तो आप ब्रैकेट सोल्व करिए, ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, वेरिएबल क्या दिया? ए प्लस बी। पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होगा? ऑपरेटर लास्ट में आ जाएगा, वेरिएबल पहले आ जाएंगे ना। ये क्या हो जाएगा आपके ए बी प्लस, स्टार को एज इट इज रखना है, और क्या हो जाएगा सी डी प्लस। ऐसे क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले आपके क्या सोल्व होंगे? ब्रैकेट सोल्व होंगे ना, ब्रैकेट सोल्व होंगे। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो गए? एक ही वेरिएबल होंगे, ये दोनों एक ही वेरिएबल होंगे। अब ये दोनों एक ही वेरिएबल है ना, इसको चाहे आप सी नाम दे दीजिए, इसको चाहे ए ना कुछ भी दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, इसको वाई दे दीजिए। अब ये दोनों एक ही वेरिएबल है और बीच में एक ऑपरेटर स्टार। तो पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होगा? ऑपरेटर किधर शिफ्ट होता है? लास्ट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये वेरिएबल ए डी रख रहा हूँ ए बी प्लस, या वापस ए डी रख रहा हूँ सी डी प्लस, और ये स्टार कहाँ हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? पोस्ट फिक्स कन्वर्जन हो गया। सेकेंड जो कन्वर्जन है मैं आपको बता देता हूँ, इनफिक्स। सेकेंड जो आपका कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा आपका? इनफिक्स टू प्रीफिक्स। देखिए डिटेल के अंदर तो मैं आपको बता नहीं सकता अभी, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको कराता चल रहा हूँ, ताकि आपके आपको जो भी है वो याद आ जाए एक बार। ये सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए प्लस बी का स्टार सी प्लस डी का स्टार, कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा ऑपरेटर आपके? आगे प्लस ए बी स्टार प्लस सी डी, ये पूरा एक ही वेरिएबल हो जाएगा, ये पूरा एक ही वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टार प्लस ए बी प्लस सी डी, ये इसका क्या हो गया आपके? प्रीफिक्स। क्या हो गया? प्रीफिक्स हो चुका है। ओके ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं एग्जाम के अंदर, और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये अल्फाबेट्स की जगह आपको क्या दिए हुए? नंबर्स दिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ फटाफट से। ओके देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आप ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिजल्ट इवेल्यूटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप इवेल्यूट करते हो तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? क्वेश्चन दिए हुए 10, 5 प्लस 66 स्लैश स्टार 8 और माइनस, ये आपको क्या दिया हुआ है? रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी इसको सोल्व करोगे वो किधर से करोगे? डेटा पार्ट से। ये ध्यान रखना, किधर से करोगे? डेटा पार्ट से। और आपको क्या करना है? स्कैन करते हुए चलना जब तक आपको एक ऑपरेटर नहीं मिल जाता है। जैसे ऑपरेटर मिलता है उसके पीछे दो कदम लेना है और उनको ग्रुपिंग करनी है। तो चलिए मैं स्कैन करते हुए चल रहा हूँ। ओके ये मूव कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑपरेटर आ गया। यहाँ से जो लास्ट के दो वेरिएबल है उसको मैं ग्रुप कर दूंगा। इन दोनों क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया, इसका मतलब इसको सोल्व कर दिए। इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15। बाकी सबको एज डिजिट रखिए, 66 स्लैश स्टार 8 और माइनस। सेम ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना है, यहाँ से आपको चलना है 15, 60, 6 स्लैश, ऑपरेटर आ गया, इसके पीछे के दो है उनको आप ग्रुप कर दीजिए। 15 को एज डिजिट रखिए, ये क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10, फिर क्या आ जाएगा? स्टार 8 और माइनस। सेम चीज़ मैं करता चलूँगा, इधर से ऑपरेटर आ गया, ग्रुप कर दीजिए, 10 स्टार, ये क्या हो जाएगा? 158 माइनस। ओके चलिए वापस फिर से चलिए, इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 152, 142 है ना, 142। ओके तो इसका आंसर क्या हो गया आपके? 142। तो उम्मीद है आपको करने का तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से हम इस अप्रोच को सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा। स्लैश स्टार प्लस 8 2 प्लस 4 2 4 2। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए डेटा साइड से, क्या बोला मैंने? किधर से सोल्व करेंगे? डेटा पार्ट से। किधर से? डेटा पार्ट से, है ना।
ओके चलिए, मूव कीजिए मूव कीजिए जब तक ऑपरेटर नहीं आता। जैसे ऑपरेटर आ गया क्या कर दीजिए आप, ग्रुपिंग कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिए। 4 + 2 = 6, बाकी सबको इट इज़ 2 2 8 + */ फिर वही तरीका, स्कैन कीजिए डेटा पॉइंट से। चलिए 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 ये प्लस आ गया, इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो गया 10, ये क्या */ ये क्या हो गया 6 और 2। ओके चलिए नेक्स्ट मूव कीजिए आप फटाफट यहाँ पे इस तरीके से। चलिए चलिए चलिए, और ये हो गया आपके पास ये 10*/6 क्या हो गया 62 और/। ओके चलिए 60/2 क्या हो जाएगा आंसर आपका 30। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आप देखिए इसको और वीडियो वापस रिपीट कर दीजिए, मेरे ख्याल से आपको एक ही बार में वन गो के अंदर ये समझ में आ गया होगा, है ना। ओके अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है, मैं यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ। वैसे तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन तो वैसे खूब है ना, पर क्रेश कोर्स के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं करा सकता। हाँ इसको मैं देख लेता हूँ फटाफट, या आपके इसके ऊपर क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ लिखिए फटाफट, सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट वैल्यूज क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। देखिए push 1 push 2 पॉप, ओके पॉप, फिर push 1 push 2, फिर दिया हुआ है पॉप push 2 और पॉप, ठीक है push 2 दिया हुआ है ना पॉप। चलिए ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, कैसे करेंगे? पुश पॉप किस में होता है भाई? स्टैक के अंदर। चलिए फटाफट से, ओके push 1 1 को पुश कर दिया, push 2 2 को पुश कर दिया, पॉप पॉप मतलब जो भी टॉप ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, तो ये पॉप हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए प्रिंट, है ना। फिर चलिए push 1 यहाँ पे वापस क्या आ गया आपके 1 आ गया, push 2 यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, पॉप ये पॉप हो गया, जैसे पॉप हुआ यहाँ पे प्रिंट हो गया। ऑप्शंस में देखिए आपको क्या क्या दिए हुए हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2, सी क्या दिया हुआ है 2 1 2 2 1, और डी दिया हुआ है 2 1 2 2 2, सही सीक्वेंस आपको बतानी है। ओके तो यहाँ पे हम पॉप कर चुके हैं, push 1 push 2 यहाँ तक हम परफॉर्म कर चुके, पॉप कर दिया। अब क्या है वापस पॉप, फिर से पॉप करेंगे तो ये आउट हो जाएगा, ये आ गया बाहर, ये हो गया। फिर से पॉप करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, ये भी हो गया। फिर push 2, अब हम क्या करेंगे 2 को पुश करेंगे तो वापस कहाँ आएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर पॉप, फिर से पॉप कर दिया, ये भी बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, सारा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा है, ये 2 2 1 1 2। ओके तो इस तरीके से इजी से क्वेश्चंस आते हैं, मेरे ख्याल से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इन सबको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है इसी क्रम के अंदर, वो हमारा क्या रहने वाला है, क्यू रहने वाला है, क्या रहने वाला है क्यू, जी हाँ क्यू। क्यू जो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लाइन के अंदर लगते हैं ना, जैसे रिजर्वेशन टिकट काउंटर है, ओके यहाँ पे कहीं कहीं पे भी आप जैसे बिलिंग कराने जाते हैं कैश काउंटर के ऊपर, या बैंक के अंदर जो लाइन लगते हैं, ओके बैंक, वो सारी की सारी क्या होती है आपकी क्यू के अंदर होती है। तो देखिए क्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये है, मैं मान लीजिए क्रू का फ्रंट है, ओके और ये क्या आपका रियर, तो जो कोई भी आएगा ना वो किधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से एंट्री करेगा और एग्जिट कहाँ से करेगा, यहाँ से क्या करेगा एग्जिट करेगा, है ना, इधर से एंट्री करेगा और एग्जिट किधर से करेगा, इधर से करेगा। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है इधर से एग्जिट कर रहा है ना, ठीक है, इधर वाली साइड से क्या करेगा वो एग्जिट करेगा, ठीक है
हाँ ओके। तो इधर से जब ये एग्जिट करता है, क्यूब के अंदर से डेटा कहाँ से जाएगा, इससे रियर से एंटर होगा और आगे से निकलेगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, वो ऑपरेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डी क्यू, क्या बोलते हैं, डी क्यू, क्या बोलते हैं, डी क्यू यू ई यू ई। और यहाँ से जो ऑपरेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एन क्यू यू ई यू ई, एन क्यू। एन क्यू मतलब डेटा ऐड करना क्यू में, डी क्यू मतलब डेटा को बाहर निकल जाना। ओके ठीक है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, इंसर्शन एंड डिलीशन आर अकर ऑन डिफरेंट एंड्स, दोनों कहाँ होंगे, अलग अलग एंड्स के ऊपर होंगे आपके, क्या होंगे, इंसर्शन और डिलीशन। अब देखिए टॉपिक आता है एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, तो कहाँ यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कहाँ किया जाता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और कहाँ किया जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग, कहाँ किया जाता है आपके, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, और कहाँ किया जाता है आपके, स्पूलिंग प्रिंटर, कहाँ किया जाता है, स्पूलिंग प्रिंटर्स, प्रिंटर को स्पूल करने के अंदर। ओके फिर जो क्यू होती है वो आपकी फर्दर दो तरह की होती है, प्रायोरिटी क्यू, और क्या होती है आपके, डबल एंडेड क्यू, डबली एंडेड क्यू। ओके तो ये कुछ टाइप्स होते हैं आपके क्यू के। अब क्यू से रिलेटेड देखिए एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप डायरेक्ट उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके हम जो अभी देख रहे हैं, मैम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे, देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे। ठीक है देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए आप ये और ये, ओके ये आपके डेटा हो गए ए बी और सी, और यहाँ पे हो गया आपके 0, 1, 2 और 3, ये क्या आपके सर्कुलर एरे हैं। ओके और ये क्या है आपका पॉइंटर, जो हम यहाँ यूज़ करने वाले कौन से करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रंट और रियर, क्या करने वाले हैं, फ्रंट और रियर। इसकी कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं, इसकी जो कंडीशन होगी, दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, कौन सी कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, एक तो बनेगी आपकी ओवरफ्लो कंडीशन, क्या बनेगी, ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे। इसके अंदर ओवरफ्लो कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशन ओवरफ्लो होगी कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखिए इफ रियर प्लस वन मोड एन इक्वल टू फ्रंट, रियर प्लस मोड एन करते हैं और अगर वो फ्रंट के बराबर आता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, क्यू इज फुल, और यहाँ पे अंडर फ्लो की क्या कंडीशन हो जाएगी, अंडर फ्लो कंडीशन। ये कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है ना ये, इफ अंडर फ्लो कब होगा, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, क्यू इज एम टी। अब इन दोनों का क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं हम,
देखिए सब रेफरेंस की बात है, अगर आप अंडरफ्लो की बात कर रहे हैं तो वी फ्रंट हमेशा कहाँ बढ़ना चाहिए, इस साइड के अंदर फ्रंट बढ़ना चाहिए। ओके, फ्रंट कहाँ बढ़ना चाहिए, इस साइड के ऊपर फ्रंट बढ़ना चाहिए। पर फ्रंट जब एक कदम पीछे आ जाता है और किससे टकरा जाता है, आपके रियर से, रियर से टकरा जाता है। इसका मतलब पीछे आया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट की कंडीशन किसके ऊपर, रियर, मतलब ये क्या है, क्यू आपकी पीछे वाले एंड के ऊपर चला गया। इसका मतलब ये आपकी क्यू क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। क्यू क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। सेम कंडीशन हो गई, अभी अगर आपको क्यू फुल है, इसका पता कैसे चलेगा भाई, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं इस तीन के ऊपर। अगर चूंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको पता कैसे चलेगा क्यू फुल है कि नहीं है भाई। ये जब आगे बढ़ेगा तो किससे टकरा जाएगा, इसके फ्रंट से टकरा जाएगा। अगर फ्रंट से टकरा जाएगा, इसका क्या पता चलेगा, ये जो क्यू है वो क्या हो चुकी है, भर चुकी है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रियर प्लस वन। रियर कहाँ है, अभी जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ये हो गया मान लीजिए आप रियर, है ना, यहाँ पे खड़े हो रियर प्लस वन। जब मैं एक प्लस वन करता हूँ और मोड एन, मोड एन मतलब इस क्यू की साइज क्या है, यहाँ पे साइज क्या है, चार। तो देखिए 3 + 1 क्या हो गया, चार। मोड एन मतलब उसका रिमाइंडर निकालते हैं, मोड का मतलब क्या, रिमाइंडर। तो मोड 4 का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू क्या दोनों आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी। इसका मतलब जो क्यू है वो क्या हो चुकी है, आपकी फुल हो चुकी है। तो ये सब कुछ रेफरेंस का खेल है, अगर आपको रेफरेंस की गणित समझ में आ गई तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। हाल फिलहाल आप क्या कीजिए, ये वाली कंडीशन ध्यान रखिए, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है वो क्वेश्चन, आप लिख लीजिए। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्यू, अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्यू, अ सिंगल वेरिएबल पी इज यूज्ड टू एक्सेस द क्यू, ओके, टू विच नोड, शुड पी पॉइंट टू सच देट। द ऑपरेशंस एन क्यू एंड डी क्यू कैन बी परफॉर्म इन कॉन्स्टेंट टाइम। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रियर नोड बी दे रखा है, फ्रंट नोड सी दे रखा है, आपको नॉट पॉसिबल, और डी दे रखा है आपको नोड नेक्स्ट टू फ्रंट। ओके, क्या बोल रहा है, अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज टू रिप्रेजेंट अ क्यू। अब हम क्या करें, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है जो क्यू को क्या कर रही है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह की। ये आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू की बात नहीं की, सिर्फ सर्कुलर सर्कुलर की है। ये मैंने बना दी यहाँ पे फटाफट। ये क्या हो गया इसका फ्रंट, और ये क्या हो गया इसका रियर। पूछा गया है देखिए, अ सिंगल वेरिएबल पी इज यूज्ड टू एक्सेस द क्यू, एक पी वेरिएबल है, क्यू को एक्सेस करना चाहता है। टू विच नोड शुड पी पॉइंट टू सच देट द ऑपरेशंस एन क्यू एंड डी क्यू कैन बी परफॉर्म इन कॉन्स्टेंट टाइम। अब बताइए कि मैं इस पी को कहाँ, यहाँ रखूँ या बीच में यहाँ पॉइंट करूँ या रियर पे पॉइंट करूँ, जिससे क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी मतलब चाहे मुझे इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकूं, मतलब ऑर्डर ऑफ वन टाइम के अंदर उसको परफॉर्म कर सकूं। आप बता सकते हैं मेरे को, अब देखिए मैंने अगर पी को यहाँ रखा तो अगर मुझे फ्रंट को डिलीट करना होगा तो मैं आराम से डिलीट कर दूंगा, पर अगर मुझे रियर को डिलीट करना है तो मुझे पूरा का पूरा इस तरीके से ट्रावर्स करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर मैं पी को मिडल में रखता हूँ तो भाई मिडल के अंदर तो आप
रियर को ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर से फ्रंट के पास जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। अगर मैं रियर के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एलिमेंट है, अगर मुझे लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है तो मैं आराम से नोड डिलीट कर दूंगा, और ये वाला जो नोड है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। किससे कनेक्ट कर दूंगा, फ्रंट से कर दूंगा। फिर वही बात, अगर देखिए सेम केस, अगर मैं रियर पे खड़ा रहता हूँ और अगर मुझे फ्रंट वाला नोड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से आराम से जाके फ्रंट वाले नोड को डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट से नेक्स्ट में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यही पूछा गया है कि भाई मैं ऐसी कौन सी जगह खड़ा रहूँ, मैं रियर पे रहूँ या फ्रंट पे रहूँ, जिससे मैं एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन आराम से परफॉर्म कर सकूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियर नोड। क्या हो जाएगा, रियर नोड आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर के अंदर, वो है हमारे ट्री। क्या है हमारे पास, ट्री 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 ट्री। ओके तो ट्री किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। किस तरह का है ये आपके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। ओके चलिए ट्री को हम ठीक है, जो ट्री के अंदर हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला हमारा क्या है, जनरल ट्री, जनरल या सिंपल ट्री। ओके इसका मतलब क्या है, अ पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड। पेरेंट नोड के पास क्या हो सकता है, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, ये पेरेंट और ये कितने भी इसके चाइल्ड हो सकते हैं। सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हमारा बाइनरी ट्री। क्या है बाइनरी ट्री, क्या होता है, देखिए अ नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन, इसके क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, बस कितने हो सकते हैं, दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब ये पेरेंट है और इसके मैक्सिमम दो हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ है, और ये आपका जी है। ओके तो ये आपका क्या कहलाएगा, ध्यान रखना रूट कहलाएगा। ओके और ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ध्यान रखना इंटरनल नोड। क्या कहलाएंगे, इंटरनल नोड। और ये जो लास्ट वाला है ना, इनको मैं क्या बोलूँगा, लीफ नोड। क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, लीफ नोड बोलने वाला हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आप मेरे को बता सकते हो इसकी हाइट क्या है, हाइट देखिए वो है 0, 1 और 2, तो इसके लेवल हाइट कितनी है, 2 हाइट का ये ट्री है। ओके ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, लीफ नोड कौन से होंगे, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होंगे, नो चाइल्ड, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, डिग्री ऑफ ट्री। अगर किसी ट्री की डिग्री पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, डिग्री ऑफ ट्री का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड अटैच टू नोड, नंबर ऑफ चाइल्ड अटैच टू नोड, किसी नोड के साथ कितने चाइल्ड अटैच है, ओके उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक बना रहा हूँ मैं ट्री, अब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो इससे तो एक चाइल्ड कनेक्टेड है, इससे दो कनेक्टेड है, इससे इसके दो चाइल्ड कनेक्टेड है, इससे इसके एक चाइल्ड कनेक्टेड है, इससे तो दो है ना, और इससे ये एक चाइल्ड कनेक्ट है, इससे भी एक चाइल्ड कनेक्टेड है। किसी भी नोड के ऊपर खड़े हो जाइए और उसके चाइल्ड देखिए, यहाँ खड़े हो जाइए चाइल्ड कितने, दो, यहाँ खड़े हो जाइए चाइल्ड कितने, दो, यहाँ खड़े हो जाइए चाइल्ड कितना, एक, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है यहाँ पे, दो, तो इस जो ट्री की डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। ओके ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है फिर देखिए और क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ अब।
हम बाइनरी ट्री के अंदर है, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल, हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल निकाल रहे हैं विथ लेबल्ड और अनलेबल्ड नोड। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल फर्स्ट क्या बता रहा हूँ मैं, विथ अनलेबल्ड नोड्स, अनलेबल्ड नोड्स तो कितने पॉसिबल होंगे, ध्यान रखना है, टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एन क्या दिए हुए आपके, एन यहाँ पे नोड्स दिए हुए, एन रिप्रेजेंट फॉर नोड्स, नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल विथ अनलेबल्ड नोड्स टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। और अगर यहीं आपको लेबल्ड नोड्स बोल दे, उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन स्टार एन फैक्टोरियल। अब आपको इसका फॉर्मूला बता दूँ, एनसीआर का, एनसीआर होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर कैसे सोल्व करना है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब लेबल अनलेबल नोड बता दूँ मैं, देखिए अनलेबल का मतलब ये आपको एक ट्री दिया हुआ है, ये आपका अनलेबल्ड है, और लेबल्ड का मतलब ये जो ट्री है आपका क्या है, लेबल्ड ट्री है। आई बात समझ में, ये दोनों के अंदर फर्क है, अनलेबल्ड के अंदर और लेबल्ड के अंदर। इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहे तो देख लिए, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल विथ फाइव नोड्स, विथ फाइव नोड्स, इसके अंदर आपको अनलेबल्ड भी बताना है और लेबल्ड भी बताना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ 5 रख दीजिए, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 सी 5 अपॉन 10 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11। इसको आप सोल्व करोगे कैसे करोगे आप, यहाँ पे 5 की जगह आप 3 रख लीजिए ना, ताकि ये फटाफट सोल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रख लीजिए भी 3 नोड्स, क्या हो जाएगा, 6c3 अपॉन 4, 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इनटू क्या हो जाएगा, 4, आंसर हो जाएगा 5। ये क्या हो गया आपके अनलेबल नोड्स, लेबल नोड्स के अंदर क्या हो जाएगा, इस 5 के अंदर क्या करना है, देखिए ये तो सोल्व हो ही चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 5 स्टार एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30, क्या आ गया आपके पास 30 वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब जो वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो है आपके ट्रावर्स ऑफ ट्री, ट्रावर्सिंग ऑफ ट्री। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, हम कर रहे हैं ट्रावर्सिंग ऑफ ट्री, ट्री को मतलब ट्रावर्स करना, ठीक है, नोड को विजिट करना। तो देखिए सबसे पहले होता है आपका प्री ऑर्डर, फिर होता है आपका इन ऑर्डर, और फिर क्या होता है आपका पोस्ट ऑर्डर। आराम से सुनिए, सभी समझ में आ जाएगा, रूट और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट रूट और राइट, सॉरी लेफ्ट राइट और क्या हो जाएगा रूट, क्या मतलब है, हम क्या करेंगे नोड विजिट करेंगे। तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे ये आपके ट्री दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट वाला लिखना है, फिर आपको लेफ्ट नोड राइट नोड लिखना है। इन ऑर्डर दिया होगा तो पहले आपको लेफ्ट नोड लिखना है, फिर रूट नोड लिखना है, फिर राइट नोड लिखना है ना, और अगर यहीं पे अगर आपको पोस्ट दिया हुआ तो पहले राइट वाला लिखना है, फिर रूट लिखना है, और फिर लेफ्ट लिखना है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी सा तरीका बता देता हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए एग्ज़ाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, या आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी, ये क्या हो गया आपके पास डी, और ये क्या हो गया आपके पास एफ, ये सी है, और सी से ये क्या हो गया आपके पास ई, और ये क्या हो गया आपके पास जी।
है ना, और आपको बोला है कि इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालिए। तो अभी हम निकालने वाला है इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। देखिए कैसे निकालेंगे। इसको करने से पहले आप इन सब के चाइल्ड बना दीजिए। देखिए यहाँ पर एक राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड मार्क कर दिया, यहाँ लेफ्ट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड बना दिया, यहाँ पे दो चाइल्ड बना दिए, इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, इन दोनों का भी बना दिया। ओके, आराम से ध्यान से समझिएगा। प्री ऑर्डर जब भी निकालना है तो फर्स्ट टाइम जब मैं नोड विजिट करूँगा ना, तो उसके जो भी नोड हमारे रास्ते में आएगा उसको मैं लिख लूँगा। तो यहाँ से रूट से विजिट करूँगा, रूट फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया, ये लिख लिया ए। फिर से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं अब किसे विजिट कर रहा हूँ, बी को लिख लिया। फिर देखिए फर्स्ट टाइम में, यहाँ देखिए सेकेंड टाइम है, नहीं इसको नहीं लिखूँगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम डी है तो इसको लिख लिया डी। फिर देखिए विजिट किया, फर्स्ट टाइम मेरा एफ़ आया तो एफ को लिख लिया। फिर से वापस विजिट करूँगा, एफ सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, एफ थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में हाँ लिखना है सी, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ हाँ लिखना है ई, सेकेंड टाइम कर रहा हूँ नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ हाँ लिखना है जी। ओके, सेकेंड टाइम नहीं लिखना है, थर्ड टाइम नहीं लिखना है, थर्ड टाइम नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम नहीं लिखना है, थर्ड टाइम नहीं लिखना है, और थर्ड टाइम नहीं लिखना है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कौन सा ऑर्डर निकाल सकते हो? प्री ऑर्डर। अब इन ऑर्डर के लिए जब भी आप सेकेंड टाइम विजिट करोगे तो इन ऑर्डर हो जाएगा, और थर्ड टाइम नोड जब आप विजिट करते हो तब आपको पोस्ट ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए ए को विजिट किया, अब मैं इन ऑर्डर निकाल रहा हूँ। ए को विजिट किया, फर्स्ट टाइम नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम लिखना है। तो सेकेंड टाइम में कौन सा नोड आया आपके? बी। नेक्स्ट के नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम क्या हो गया आपके पास? एफ एफ। फिर देखिए सेकेंड टाइम में क्या हो गया आपके पास? डी, ये लिख लिया ये डी। थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में लिखना है, वो है आपके पास ए। विजिट किया, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में लिखना है, वो है आपके ई। फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में लिखना है, वो है आपके जी। थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में लिखना है, वो है आपके सी। थर्ड टाइम में नहीं लिखना है, थर्ड टाइम में नहीं लिखना है। अब पोस्ट के अंदर क्या होगा? थर्ड टाइम वाला लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, और थर्ड टाइम में लिखना है। ओके, आपका एफ। सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, थर्ड टाइम में लिखना है, क्या है आपका? डी। थर्ड टाइम में लिखना है, क्या है आपका? बी। समझ में आ रही बात आपको? सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, सेकेंड टाइम में नहीं लिखना है। अब थर्ड टाइम विजिट कर रहा हूँ तो थर्ड टाइम का लिखना है, वो क्या आपका? जी। ठीक है, थर्ड टाइम का लिखना है, वो क्या हो गया आपका? ई। सेकेंड टाइम नहीं लिखना है, थर्ड टाइम लिखना है, क्या हो गया आपका? सी। थर्ड टाइम लिखना है, क्या हो गया आपका? ए। ओके, तो आपको समझाने के हिसाब से मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलग अलग लिखा था। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही बार में सारे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैवल किया, फर्स्ट टाइम में ए लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम में बी लिख लीजिए, सेकेंड टाइम बी किया तो यहाँ बी लिख लीजिए, फिर फर्स्ट टाइम डी यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम एफ यहाँ लिख लीजिए, सेकेंड टाइम एफ तो कहाँ लिखोगे? इन में ही एफ लिख लिया। थर्ड टाइम एफ तो कहाँ लिखोगे? पोस्ट में लिखोगे। बस एज सिंपल इज दैट। तो यहाँ से आप प्री, इन और पोस्ट दोनों निकाल सकते हो आराम से ट्री ट्रैवल करके। ओके, ये क्या था आपका? ट्री ट्रैवर्सल ऑफ ट्री। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको प्री, इन और पोस्ट निकालना है। एक क्वेश्चन ये ऐसा आता है कि आपको प्री या पोस्ट, ध्यान रखना, एक तो रहता है आपका इन और एक रहता है आपका प्री और एक रहता है यहाँ पे पोस्ट। तो आपको ग्राफ निकालने के लिए हमेशा एक तो कॉमन रहेगा ही रहेगा इन, इसके अलावा आपको या तो प्री दिया होगा या पोस्ट दिया होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन दी होगी। अगर प्री और पोस्ट दोनों दी हुई है तो कभी ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन रहनी चाहिए दोनों में से एक। अब आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्री दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी एफ सी ई जी, और आपको क्या दिया हुआ है? इन दिया हुआ है। इन क्या दिया हुआ है? बी एफ डी ए
EGC है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो, AFDA, AFDA, EGC और AB, AB ये नहीं है ना, यहाँ पे हटा देता हूँ, AB, DF, DF, CEG, ठीक है। इससे आपको क्या निकालना है, आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए आपको पूछा पोस्ट निकालना है, पोस्ट ऑर्डर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, तो ये ऐसे चलेंगे यहाँ पे स्कैन करके, एक है आपका रूट, तो सबसे पहले आप रूट बना दीजिए बस, और इसके दो ब्रांच बना दीजिए। अब देखिए, अब आप आ जाइए इनके ऊपर, ये आपका हो गया, ए रूट कैसे पता चला, प्री से। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, यहाँ लिख लीजिए आप BFD, यहाँ लिख लीजिए आप EGOC, ओके। अब बी लेफ्ट में आ जाइए, BFD के अंदर किसे आपको रूट बनाना है, तो वापस प्री में आइए, कौन नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, बी, ये लिख लीजिए आप बी। अब बी के राइट में है FD या लेफ्ट में, राइट में, तो इनको ए जिट इज लिख लीजिए राइट चाइल्ड में FD, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, एफ और डी में से किसे आपको रूट बनाना है, यहाँ आ जाइए, किसको, डी को, तो यहाँ बना दीजिए डी को, FD के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, तो यहाँ बना दीजिए आप एफ। फिर देखिए ये भी हो गया एफ, EGC के अंदर से किसको रूट बनाना है, यहाँ आ जाइए, किसको बनाना है, सी को, है ना। इस प्रकार से हम चल रहे हैं, ये विजिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सी, सी लिख लीजिए, EGC के लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में, तो यहाँ लिख लीजिए आप EG, जिस क्रम में दिया वैसे लिखिए, आराम से बन जाएगा। फिर देखिए ई, ई यहाँ लिख लीजिए आप ई, जी क्या है, लेफ्ट में, राइट में, राइट में, यहाँ लिख लीजिए आप जी। ये आपका ग्राफ बन चुका है, तो हमें पता है एक बार ग्राफ बन गया तो हम पोस्ट आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इन सब के चाइल्ड मार्क करने होंगे, ये बना दिया, 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 ठीक है। अब नोड हम विजिट कर लेते हैं फटाफट से, फर्स्ट टाइम में नहीं लेना है, फर्स्ट टाइम में नहीं लेना है, सेकेंड टाइम में नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड, यस, ये हो गया आपका एफ। फिर नेक्स्ट मुझे सेकेंड नहीं, थर्ड, यस, ये क्या हो गया आपका डी। फिर देखिए थर्ड लेना है, हाँ ये क्या हो गया आपके पास बी। सेकेंड नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकेंड टाइम विजिट नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, और थर्ड टाइम लेना है जी, ये क्या हो गया आपका जी। थर्ड टाइम क्या हो गया ई, सेकेंड टाइम विजिट नहीं लेना है, थर्ड टाइम लेना क्या हो गया आपका सी, थर्ड टाइम विजिट क्या हो गया आपका ए। ये आपका देखिए पोस्ट ऑर्डर निकल के आ चुका है, और हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, तीन मैक्सिमम, 1 2 3, तीन बार ट्रैवल कर पा रहे हैं ना, इससे आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई। ये आप ऐसे देख सकते हो, 0 इसकी हाइट है, इसकी हाइट 1 है, ये 2 है, और ये क्या हो गई आपकी 3, इसकी हाइट हो चुकी है, ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं काफ़ी DSA तो देखिए मेरी फेवरेट है, OS, DSA, CNDB ये सारे मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, जितना आप डिटेल में पढ़ना चाहें पढ़ा सकता हूँ, पर अभी हमारे शॉर्ट जो टाइम है, तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई है आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए आप फटाफट से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच इज, कोई हाइट दी हुई है एच, इसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर कितने नोड्स पॉसिबल है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एन मैक्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर h+1 -1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। एग्जाम्पल दे दिए, देखिए बाइनरी ट्री के अंदर आपको दे रखा हाइट 4 दे रखी है, तो बताइए कितने नोड पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4+1 -1, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 -1, दैट इज 32 -1, कितने नोड पॉसिबल है, 31 नोड पॉसिबल है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह के साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टॉपिक बचा हुआ था पर मुझे लग रहा है मेरा कंप्यूटर अनस्टेबल हो रहा है, पहले की तरह वीडियो डिलीट ना हो जाए, इसलिए चलते हैं। टाटा बाय बाय।